सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमें 70,000 का क्रेडिट लेना है फ्लिपकार्ट से। तो चलिए सबसे पहले हम क्रेडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है इंस्टेंट क्रेडिट अप टू 70,000, यानी कि आप 70,000 का लोन आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए नेक्स्ट जो मंथ है आपको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने का EMI मिलेगा, तो आप आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद आपको तुरंत 70% स्मार्ट अपग्रेड मिलेगा। उसके बाद आपको 15% तक आपको फर्स्ट ऑर्डर पर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए हम फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस को एक्टिवेट कर लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पहले से हमारा 20,000 क्रेडिट अवेलेबल था। दोस्तों हमें ऑफ़र तो आया था 70,000 रुपये का, लेकिन हमें वह क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि हम पहले से 20,000 रुपये का अवेलेबल क्रेडिट ले चुके हैं। अगर आप 70,000 का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो उसी तरह से आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा या एक डिस्प्ले होगा मैसेज, उस पर क्लिक करके आसानी से क्रेडिट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे लेटर का क्रेडिट लेने के लिए आपको KYC एक्टिव करना होता है। उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड की ज़रूरत होती है जिसको डालकर सबमिट करना होता है। दोस्तों इस तरह से आप क्रेडिट आसानी से ले सकते हैं। अगर आपको यह छोटी सी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वेबसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।